हेलो एवरीवन, मैम डी यादव और आप देख रहे हैं सूर्योदय सक्सेस पॉइंट। आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 8 की जो थर्ड नंबर एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में है कि हमें किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग हम कैसे निकालें, अंतः कोणों का योग हमें निकालना सीखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भुजा बहुभुज, जैसे ये बहुभुज है त्रिभुज, और त्रिभुज के कोण कितने हैं, 1, 2 और 3। अंतः कोणों का योग हमको निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भुजाएं हैं तीन, तीन भुजा वाला क्या आकृति बनेगी, त्रिभुज। तो त्रिभुज के हमें अंतः कोणों का योग निकालना है। तो हमारा इसका जो सूत्र होगा वो होगा n माइनस 2 इंटू 180। अब n क्या होगा, इसमें सूत्र हो गया n माइनस 2 और इंटू करना है फिर किसको, 180 से। अब n क्या है, जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होंगी, तीन भुजाएं होंगी, तो n बराबर क्या होगा, तीन होगा। जैसे चतुर्भुज है, चतुर्भुज में चार भुजाएं होंगी, तो n बराबर क्या होगा, चार होगा। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन जो है वो तीन भुजाओं वाला है और तीन भुजाएं हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे तो ये आकृति कौन सी बनेगी, तीन भुजाओं की त्रिभुज। तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग क्या होगा, 3 - 2 इंटू 180। तीन में से दो आप कट कर दीजिए, कितना आएगा, एक आएगा, और 180 से गुणा, तो 180 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 180 ही आएगा। एक को 180 से गुणा करने पर 180, तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग क्या निकला, 180। फर्स्ट का आंसर हो गया 180। तीन भुजाओं वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग 180। नेक्स्ट अब हमको निकालना है भुजाएं कितनी है, चार। तो हमारा सूत्र था n माइनस 2, तो 4 - 2 इंटू 180। चार में से दो कट कर दीजिए आप, दो आएगा, इंटू 180। अब 180 को 2 से गुणा कीजिए, तो 2 का 0, 2 अंटे 16 की 6, हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 360। तो चार भुजाओं वाली जो आकृति है चतुर्भुज, उसके अंतः गुणों का योग कितना हो गया, 360। नेक्स्ट ले लेते हैं हम, आगे है पांच भुजाएं, और पांच भुजाओं वाली बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, पंचभुज। क्या कहते हैं, पंचभुज। तो भुजाओं n माइनस 2, तो 5 - 2 इंटू हमें करना है 180 से, तो 5 में से 2 हम कट करेंगे तो कितना आएगा, 5 में से 2 कट करेंगे 3, गुणा करेंगे 180 से, 3 × 180, 18 + 54, तो 540। कितना आया भुजाओं का योग, 540। पंचभुज के अंतः कोणों का जो योग है वो कितना है, 540। नेक्स्ट टेबल ले लेते हैं, सात भुजाएं हैं, तो यहां पर है n माइनस 2 इंटू 180, एन है हमारे पास 7 - 2 इंटू 180। सात में से दो कट कर दीजिए, 5 आएगा, 180 इंटू में 180, 18 × 90, तो कितना आया, 900। तो सात भुजाओं वाली जो बंद आकृति होती है उसके अंतः कोणों का योग कितना होता है, 900। कितना होता है, 900। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, हम यहां लेते हैं जैसे 10 भुजाएं, कितनी भुजाएं, 10 भुजाएं, और 10 भुजाओं जो वाली आकृति होगी उसका होगा 10 - 2 इंटू 180। 10 में से 2 माइनस कीजिए, कितना आएगा, 8 × 180, तो गुणा कर दीजिए इसको, 0 का 0, 18 × 8 कितना होता है, 144। तो 1440 क्या हो जाएगा, 10 भुजाओं का अंतः कोणों का योग कितना होगा, 1440। 8 का 0, 8 × 64 के 4, हासिल लगे 6, 8 × 8 = 14, कितना आ गया, 1440। भुजाओं के अंतः कोणों का योग हम कैसे निकालेंगे, ये पूरे क्वेश्चन में हमने सीखा है और ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। थैंक यू सो मच।